हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब मैं हूं गौरव काबरा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दोनों ही यूट्यूब चैनल्स पे गौरव काबरा एज वेल एज एडिटर्स सो जस्ट इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सी एफ ए लेवल वन एंड यू आर लुकिंग फॉर सम ग्रेट समरी वीडियोस व्हिच कैन ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर प्रिपेरेशन इन द मिनिमलिस्टिक टाइम फ्रेम तो फिर आपको इस चैनल पर काफ़ी सारे स्टफ्स मिल जाएंगे वी ऑब्वियसली हैव अ डेडिकेटेड वीडियो कोर्स जो कि बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छी प्रिपेरेशन करा सकता है लेवल वन के लिए बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू आर सेल्फ प्रिपेयरिंग फॉर सी एफ ए लेवल वन देन पॉसिबली आपके लिए काफ़ी सारा स्टफ फिर भी इस चैनल पे है वी आर कॉन्स्टेंटली अपलोडिंग वन और टू वीडियोज और मे बी मोर एवरी सिंगल वीक एंड उसके अलावा हमारा एक बहुत पेड प्रोजेक्ट है जो कि है समरी वीडियोज़ का जो हम ग्रेजुअली अब धीरे धीरे हाथ लगा रहे हैं अभी तक हमने दो सब्जेक्ट्स को पूरी तरह से ऑलरेडी सारे अवेलेबल है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा आपके लिए वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं एंड टूडे फ्रॉम टूडे वी आर स्टार्टिंग ऑफ एफ आर जिसमें एफ की आज फर्स्ट रीडिंग को पंद्रह मिनट के अंदर अंदर आपको सो दैट इट्स गोइंग टू बी एन अचीवमेंट इसके अलावा अपकमिंग वीडियोस में भी आपको एफआरए की सारी रीडिंग्स को मैं समराइज करवाऊंगा विथ ग्रेट एफर्ट्स गुड क्वालिटी एंड टू इन मिनिमलिस्टिक टाइम जैसा हम हमेशा से करते आए हैं बट ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू टेक अ वाइल बिकॉज काफी सारी रीडिंग्स हैं एंड जस्ट इन केस मेरे को थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा अपने डेली रूटीन से सो समहाउ दैट विल बी टेकन अप एंड ऑल द वीडियोज विल बी डिलिवर्ड ओवर द कोर्स ऑफ टाइम सो बी पेशेंट एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑब्वियसली सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू गेट अपडेट्स टू ऑल द वीडियोज गोज विदाउट सेंग अगर आपको कोई भी तरह से और कोई भी मदद चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू योर प्रिपेरेशन फॉर सी एफ एल एल वन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन लिंक एंड यू कैन ऑब्वियसली गेन एक्सेस टू मी गेन एक्सेस टू माई टीम वू आर ऑलवेज देर टू हेल्प यू आउट इसके अलावा वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा एंड डेफिनेटली कमेंट करके बताइए व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ वीडियोस आर दीज हेल्पिंग यू आर दिस एडिंग वैल्यू और अगर कहीं पे कुछ और बेटर हो सकता है सो डेफिनेटली डोंट हेजिटेट टू लीव अ फीडबैक विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट सो दैट यू गेट मैक्सिमम वैल्यू बाई वॉचिंग दीज वीडियोज़ सो दैट्स इट अभी मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ फिर सेकेंड सेगमेंट के साथ जिसमें पंद्रह मिनट के अंदर हमारी फर्स्ट रीडिंग पूरी तरह से समराइज कराई जा रही है आपके लिए सो दैट्स इट अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ मिलते हैं दूसरे सेगमेंट में तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड दिस इज सी एफ ए लेल वन समरी नोट्स फॉर इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये हमारी एफ आर ए की सबसे पहली रीडिंग है बहुत सिंपल बहुत छोटी रीडिंग है एंड इट कैन बी समराइज क्वाइट फास्टली क्वाइट क्विकली एक्चुअली सो so, शुरुआत करते हैं विथ लर्निंग आउटकम वन है सो टॉकिंग ऑफ लर्निंग आउटकम वन है सो और ए है वी आर बेसिकली रिक्वायर्ड टू फाइंड द रोल ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस नंबर वन मोस्ट स्टूडेंट्स यहीं पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि फिनेंशियल रिपोर्टिंग और फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में अंतर क्या है एक वर्ड में अगर मैं सीधा सीधा समझाऊं तो वो डिफरेंस है इनपुट एंड आउटपुट एक्चुअली दो वर्ड्स हो गए नंबर वन इज़ इनपुट एंड नंबर टू इज़ एक्चुअली प्रोसेसिंग और आउटपुट ऐसा बोलना बेटर रहेगा देखो मेरी बात समझो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आप बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हो वाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में यू आर एनालाइजिंग दोस सो काफ़ी अंतर तो है सुनने में थोड़ा वियर्ड लगता है और शायद साथ में आ जाने की वजह से आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो बट देन अगेन बहुत सिंपल है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में यू आर बेसिकली प्रोवाइडिंग सम इन्फॉर्मेशन टू योर यूजर्स दिस इंफॉर्मेशन इज़ अबाउट द फिनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी विच इज़ प्रोवाइडेड थ्रू इनकम स्टेटमेंट

प्रेजेंट और फ्यूचर में परफॉर्मेंस और पोजीशन कैसी रही थी है और कैसी रह सकती है सो दैट इज हाउ यू डिफरेंशिएट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आई होप दैट वाज इजी फॉर यू नेक्स्ट बढ़ते हैं लर्निंग आउटकम बी की और विच इज अबाउट रोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो ब्रॉडली वी नो दैट देयर आर

कंपनी के पास कितनी लाइबिलिटीज हैं एंड कंपनी की अभी टेक्निकली क्या नेटवर्थ है नेटवर्थ का मतलब हो गया कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में टोटल कितनी वैल्यू है जिसमें ऑब्वियसली वी आर टेकिंग केयर ऑफ इक्विटी एज वेल एज रिजर्व एंड सप्लस सो अगर आपको इनकी इंफॉर्मेशन चाहिए इफ यू वॉन्ट टू नो वॉट आर द टोटल एसेट्स विद द कंपनी वट आर द लाइबिलिटीज एंड वॉट इज द नेटवर्थ यू शुड बेसिकली चेक द बैलेंस शीट वे यू गेट टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी ए सिंपल एज दैट ओके नंबर टू इज़ द इनकम स्टेटमेंट अगर मैं इनकम स्टेटमेंट की बात करूं तो इट प्रोवाइड्स जो इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी यानी कि कंपनी का ओवरऑल क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ कौन से कॉम्पोनेंट्स uh, के वजह से प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है इफ़ यू वांट टू डू एन इन डेप्थ एनालिसिस विद रिगार्ड्स टू द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ़ द कंपनी आप इनकम स्टेटमेंट्स आराम से फॉलो कर सकते हो नेक्स्ट अप इज़ कॉम्प्रहेंसिव इनकम नाउ दिस इज डिफरेंट देखो इनकम स्टेटमेंट एक ऑब्वियसली स्टेटमेंट है जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताता है कॉम्प्रहेंसिव इनकम भी वैसा ही एक स्टेटमेंट है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट इट विल इंक्लूड ऑल द आइटम्स विच विल चेंज ओनर्स इक्विटी एक्सेप्ट फॉर ऑब्वियसली ओनर्स ट्रांजेक्शन्स जैसे कि अगर कोई नया इशू या फिर बाईबैक कुछ है वो सब ये इंक्लूड नहीं करता इसके अलावा कोई भी कारण से अगर ओनर इक्विटी में कुछ भी बदलाव आता है तो वो आपको कॉम्प्रहेंसिव इनकम में नज़र आएगा नाउ दैट माइट नॉट बी विजिबल इन इनकम स्टेटमेंट बट यू वुड बी एबल टू सी दैट इन कॉम्प्रेहेंसिव इनकम सो दैट इज हाउ कॉम्प्रेहेंसिव इनकम इंक्लूड्स इनकम स्टेटमेंट आइटम्स एज वेल एज अदर आइटम्स एज वेल जिसे हम ओ सी आई कहते हैं अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम जब आप डिटेल में एफ आर ए में घुसोगे तब आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी अभी के लिए यू माइट नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट कॉम्प्रहेंसिव इनकम एंड इनकम स्टेटमेंट डोंट वरी आगे के रीडिंग्स में धीरे धीरे डिफरेंशिएट आप कर पाओगे नेक्स्ट अप इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नॉट दिस इज बेसिकली अ कैपिटल अकाउंट समरी अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल तरह से बताऊं, सो दिस इज़ अ कैपिटल अकाउंट समरी जहां पे आपको पता चलेगा कि आपके इक्विटी होल्डर्स के पास में शुरुआत में कितना कैपिटल था ड्यूरिंग द ईयर कितना बढ़ा या घटा और एट द एंड उनका बैलेंस क्या चल रहा है सो यस इफ़ यू वॉन्ट टू नो हाउ योर इक्विटी बैलेंसेज हैव चेंज यू नीड टू सी दिस स्टेटमेंट नेक्स्ट अप इज स्टेटमेंट ऑफ कैश लोज यू ऑलरेडी नो तीन तरह के मेजर कैश लोज होते हैं सी एफ ओ सी एफ आई एंड सी एफ एफ यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग तो आपको अगर पता करना है कि आपकी कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स प्राइमरीली क्या हैं आप उनकी समरी जानना चाहते हैं देन यू नीड टू फॉलो अप विद द स्टेटमेंट ऑफ कैश लोज एज सिंपल एज दैट नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम सी वेर वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट्स एंड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन डोंट वरी अभी सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन पे एक और लर्निंग आउटकम है हम और ज्यादा डिटेल में वा सीखेंगे बट टॉकिंग ऑफ द फुट नोट्स फर्स्ट फुट नोट्स बेसिकली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही मैं कह सकता हूँ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वेर यू आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू इंपॉर्टेंट डिस्कलोजर्स ये डिस्क्लोजर्स कैसे हैं ये डिस्क्लोजर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंटिंग मेथड्स एस्टिमेट्स एंड एजम्शन मेड या फिर यूज एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए कौन से मेथड यूज़ कर रही है पी पी एंड ई को डेप्रिशिएट कौन से मेथड से कर रही है कितने रेट से कर रही है क्या क्या अजम्शन्स लिए हैं ये सारी चीज़ें अगर आपको पढ़नी है ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको एडिशनल डिस्क्लोजर्स चाहिए तो ये फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऑन फेस नहीं मिलेंगे यू विल हैव टू गो and visit the footnotes where you will get these additional disclosures. Obviously, footnotes पढ़ना बहुत important है. अगर आप किसी भी company को value कर रहे हो या फिर उसकी analysis भी कर रहे हो, you need to read the footnotes. So that is number one area where you need to look out for supplementary information. Apart from that, अपनी जो annual report होती है, annual report में एक बहुत ही गजब का segment होता है, जिसे हम कहते हैं MD and A. सेगमेंट इज नोन एज एम डी एंड ए पूरा नाम है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस एक्सट्रीमली यूजफुल सेक्शन जहाँ पे मैं खुद भी जब भी किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ता हूँ सबसे पहले ये पढ़ता हूँ बिकॉज यू गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी जैसे कि क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है एक बार जरा इस पर सोचते हैं सो so, देखिये जो हमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये कि हमारी बिजनेस क्या है कंपनी का क्या बिजनेस है वगैरह वगैरह दूसरा आपको यह समझना होता है कि एम डी ए अनऑडिटेड हो सकता है ठीक है योर इनकम स्टेटमेंट इज ऑडिटेड योर बैलेंस शीट इज़ ऑडिटेड एंड योर अदर स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो ऑडिटेड बट एम डी एन ए का कुछ पार्ट्स हो सकता है अनऑडिटेड हो सो so आपको उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए इसके अलावा एम डी ए में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपको समझ में आता वो है वो ये दट यहाँ पे मैनेजमेंट डिस्कस करती है वॉट आर द इम्पॉर्टेंट ट्रेंड दट द मैनेजमेंट इज लुकिंग एट व्हाट आर द सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड अनसर्टेटीज़ दट द कंपनी माइड बी एक्सपोज टू दैट्स रियली इंपॉर्टेंट इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है तो आपको एम डी ए में देखने को मिल सकता है नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम डी आई हैव रिड्यूस्ड एक्चुअली द लर्निंग नेम्स नहीं तो इनके लर्निंग के जो नाम है वो बहुत बड़े बड़े हैं आई हैव जस्ट रिड्यूस्ड इट टू गिव यू एन ओवरसाइट तो यहाँ पे ओवरसाइट के तौर पे आप ये समझ लो कि यहाँ पे ऑडिट्स स्टफ्स की हम बात करें जो आपको कर रही है एज ए ट्रस्ट कर सकते हो ट्रस्ट करने के लिए यू वुलड एन ओपिनियन ऑफ एन इंडिपेंडेंट इवेल्युएटर होता है इसी को हम बोलते हैं ऑडिटर अब ये बेसिकली ऑडिटर जो होते हैं ये होते हैं प्रैक्टिसिंग पब्लिक अकाउंटेंट्स एंड इनका काम होता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से गो थ्रू करें एंड फेयरनेस एंड रिलायबिलिटी पे अपना ओपिनियन दें कि उनके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भरोसे लायक हैं कि नहीं है सो so अगर ये ओपिनियन हमारे पास आ जाए तो हमें कम से कम पता चल जाएगा कि एक इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट से कंपनी के इंफॉर्मेशन यूजफुल है या नहीं है रिलायबल है कि नहीं है सो दैट इज ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट नंबर वन ऑब्जेक्ट नंबर टू इज़ ऑल्सो टू फ्रेम एन ओपिनियन ओवर दी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एज़ वेल अब ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कोई फॉल्ट होगा तो फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑब्वियसली फेयरनेस एंड रिलायबिलिटी का फैक्टर खत्म हो जाएगा अगर कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही वीक है तो फिर कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो भी बैड क्वालिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे सो दैट इज़ वाई एन ऑडिटर इज रिक्वायर टू फ्रेम ओपिनियन नॉट जस्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट ऑल्सो ऑन द कंट्रोल सिस्टम नंबर टू पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि क्या ऑडिटर की तरफ से जो ओपिनियन आता है क्या आप उसे एक कम्प्लीट अश्योरेंस या फिर फुल अश्योरेंस मान लें तो जवाब है जी नहीं एक ऑडिटर की तरफ से जब भी कोई अश्योरेंस आता है या फिर ओपिनियन आता है यू शुड व्यू दैट एज अ रीजनेबल अश्योरेंस वाई इज़ दैट सो वो इसलिए क्योंकि ऑडिटर की तरफ से जो ओपिनियन आता है उसमें हो सकता है कि इंस्पाइट ऑफ सो मच ऑफ़ ड्यू डिलीजेंस इंस्पाइट ऑफ सो मच ऑफ हार्ड वर्क फिर भी हो सकता है ह्यूमन एरर रह जाए कोई पॉइंट है जो मिस आउट हो जाए इसीलिए आप उनके जो ओपिनियन है जब भी वो ओपिनियन देते हैं दैट द स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर एंड फ्रॉड्स आप उसको अश्योरेंस के तौर पे ले सकते हैं बट नॉट एज अ कंप्लीट एश्योरेंस वो रीजनेबल अश्योरेंस होना चाहिए इसका मतलब अगर कभी भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड हैं ऑब्वियसली ऑडिटेड ही होते हैं तो आप ऑब्वियसली उस उसमें भरोसा कर सकते हो पर एकदम आंख बंद करके भरोसा मत करना एंड आई डोंट रियली नो कि मैंने ये बनाया क्यों है ओके नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ ऑडि रिपोर्ट टॉकिंग ऑफ द टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तो टोटल तो चार तरह की ऑडिट रिपोर्ट है क्लीन मतलब एकदम साफ कंपनी जब अच्छा काम करती है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भरोसे लायक होते हैं उस समय एक क्लीन रिपोर्ट इशू की जाती है क्वालिफाइड रिपोर्ट इज इशूड वेन देर आर सम प्रॉब्लम्स एडवर्स रिपोर्ट इज

ओके नेक्स्ट अप इज़ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन टॉकिंग ऑफ द सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन तो इसके चार सोर्सेज होते हैं इंटरिम रिपोर्ट्स यानी कि क्वार्टरली स्टेटमेंट्स ये क्वार्टरली स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा ये होते हैं अनऑडिटेड क्या होते हैं अनऑडिटेड इनकी पूरी ऑडिट नहीं होती ये सिर्फ आ, मैं कह सकता हूँ सिर्फ रिव्यू होकर के रह जाते हैं लेकिन ऑडिट नहीं होते हैं. सो नंबर वन दिस पॉइंट इसमें फ़ुट नोट्स वगैरह भी इंक्लूडेड है नंबर टू इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन आल्सो चेक द ए वेबसाइट ये इंडिया में हम आर या एम की वेबसाइट पर जाकर के कर सकते हैं सो so, अगर हम एम की वेबसाइट पर जाएँ हमें भी कंपनी के बारे में कई इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं इन देंस कंपनी के डायरेक्टर कौन है कंपनी में uh, कितनी होल्डिंग है क्या पब्लिक इक्विटी है वगैरह वगैरह सो यू गेट इफॉर्मेशन अबाउट दैट सो इस तरह की अगर आपको इंफॉमेशन चाहिए यू कैन डेफिनेटली विजिट द ए वेबसाइट एंड ऐसे-ऐसे सी फाइलिंग से आपका काम हो सकता है नेक्स्ट अब इस प्रॉक्सी स्टेटमेंट नाट टॉकिंग ऑफ प्रॉक्सी स्टेटमेंट ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो कंपनी शेयर होल्डर्स को भेजती है जब भी उनको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना होता है ऑब्वियसली यहाँ पे आपको डिस्क्लोजर्स मिल जाएंगे एडिशनल डिटेल्स मिल जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एरियाज वेयर अ शेयर होल्डर अप्रूवल इज नेसेसरी सो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन उनके कम्पेसेशन क्वालिफिकेशन मैनेजमेंट की कम्पेन्शन एंड क्वालिफिकेशन एंड इनफैक्ट स्टॉक ऑप्शन के ऊपर में भी एडिशनल इन्फॉमेशन आपको मिल सकती है यू माइट ऑल्सो गेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर एनी मर्जर एंड एक्विशन डील क्योंकि उसमें भी शेयर होल्डर का अप्रूवल लगता है सो so ऑब्वियसली वो भी एक यहाँ पे एडिशनल इफॉर्मेशन हो सकती है इसके अलावा अगर आप अदर सोर्सेज में जाना चाहते हैं यू कैन गो फॉर कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स प्रेस रिलीजेज अर्निंग्स गाइडेंस ट्रेड जर्नल्स कॉन्कॉल ट्रांसक्रिप्ट वगैरह सो दीज आर एडिशनल इंफॉमेसन जहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन ऑप्टेन कर सकते हैं अबाउट द कंपनी आउटकम आई थिंक दिस इज फाइनल आउटकम वेर वी आर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे तो टोटल छह स्टेप्स आपको फॉलो करने नंबर वन आप अपना पर्पज और कॉन्टेक्ट जरूर समझें आप किस लिए एनालिसिस कर रहे हैं इफ यू डोंट नो यूर पर्पज पॉसिबली आपके एनालिसिस कभी भी ढंग से होगी नहीं सो नंबर वन अपना पर्पज पहचान ठीक है नंबर 2 यू शुड कलेक्ट यूर इनपुट डेटा आप कौन कौन से डेटा को यहाँ पे वेरीफाई करना चाहते हो उसे एनालिसिस करना चाहते हो अपने इनपुट डेटा को यहाँ पे लाओ बेसिकली ये फिनेंशियल स्टेटमेंट से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी नंबर थ्री इज प्रोसेस दैट डेटा अगर आपको कोई छोटी मोटी एडजस्टमेंट करनी है रेशियो कैलकुलेट करने हैं ग्राफ्स बनाने हैं कॉमन साइज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंस्ट्रक्ट करने हैं तो ये सारी चीज़ें प्रोसेसिंग ऑफ डेटा के स्टेप में आएगी एंड मैं आपको बता दूं इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं दे कैन आस्क यू इफ़ यू आर मेकिंग ग्राफ्स वो कौन सा स्टेप होगा सो दैट स्टेप नंबर थ्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा आई नो इट्स अ डेंजरस क्वेश्चन टू आस्क बट यस बच्चे स्किप कर जाते हैं एंड दैट इज़ वाई एम इन्फॉर्मिंग यू नेक्स्ट अपे स्टेप नंबर फोर वेर यू आर आस्ट टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द प्रोसेस डेटा यानी कि जो आपने स्टेप नंबर थ्री में जो भी किया तो उसकी एनालिसिस करना यहाँ आपका काम है यानी कि ये बोलना गलत नहीं होगा कि रेशियोज जो आपने कैलकुलेट किए थे स्टेप थ्री में तो उनकी रेशियो की एनालिसिस करना स्टेप नंबर फोर में कवर्ड होगा then you have step number 5 where you are developing and communicating conclusions and recommendations step number 6 is follow up recommendation and conclusion देने के बाद में भी काम आपका नहीं हुआ समझिए आपको और इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहिए जब भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आए और अपनी एनालिसिस को वापस रिपीट करना चाहिए एनएफ रिक्वायर्ड अपनी रिपोर्ट्स और रिकमेंडेशंस को भी अपडेट करना चाहिए सो दैट इज हाउ यू कंडक्ट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस